हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। सोनी नेगी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 5 बजे से, क्योंकि आज है रामनवमी। आज सबको मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी इच्छा पूरी करें। और मैं नहा धो के बना लेती हूँ फटाक से माता रानी का प्रसाद। सो फ्रेंड्स, मैं नहा गई थी और यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने रखा है काले चने, और ये रहा जीरा। और ये खूब देर तक चलाने हैं। और अब इनको थोड़ा पकने देना मसाले के साथ। और यहाँ पे डाल दिया मैंने घी। अब सूजी, और ये रही सूजी एक कटोरी में। और यहाँ रखा मैंने पानी। अरे हलवा भी देखो, इसमें मैंने डाली किशमिश और नारियल घिसा हुआ। हाँ, और हमने बना लिए काले चने और हलवा बन गया। अब बना रही मैं पूरी। और यहाँ पे हो गई हमारी पूरियाँ तैयार और प्रसाद पूरा बना लिया मैंने। मैंने सोचा कि पहले मतलब प्रसाद बना लूँ, उसके बाद करूँगी पूजा। और ये कर ली मैंने पूजा की तैयारी, अब करती हूँ। और ये हमने प्रसाद, नारियल टीका और ये हरियाली, और ये फ्रूटी बच्चों के लिए, केले भी बच्चों के लिए, और ये माता की चुनरी। आव्या सीबिया चले गए थे 6 बजे, क्योंकि कोई आ गया था उनको बुलाने और अभी तक नहीं आए। अभी हमारे घर आएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, क्योंकि 5-6 लोग हमारे घर दोबारा आ गए बुलाने कि हमारे घर भेज दो। और यहाँ भी कर रही थी मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे घर एक आंटी आ गई थी बच्चों को लेने, तो फिर उनको भी वहाँ उनके घर भी जाना था, तो इसलिए। मम्मी दरवाजा खोलो। आ गई आव्या, और ये रही हमारी आव्या आ गई। बहुत थके हुए आ रहे हैं। और शिव्या, शिव्या के हो, मेरा बच्चा गिर गया। शिव्या के हाथ में देखो, चलो चलो, जय माता दी बोलो। मेरे बच्चे थक गए भाई। क्या हो गया भैया, थकान लग गई क्यों? हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी। ये इतना क्या रहे तुम भर भर के प्रसाद? सिया भी गई थी। ओ, ये साढ़े मतलब 6 बजे चले गए घर से और अब आ रहे हैं 12 बजे। ओहो, थक गए बच्चे। इतने थैले, ओ इसमें इतने सारे केले और ये 2 संतरे। ओ
ये शिया देखो कितनी मस्ती कर रही है, थक के आ गई। से जय माता दी बोल दो। और ये है हमारी आव्या। चलो दिखाओ। वाओ आव्या के लिए ये है आव्या के इतने सारे केले। और ये और इस सिया के हाथ में भी देखो पूरी। इतनी सारी वाव, आज तो आव्या सिवे के मजे आ गए। अच्छा आव्या थैले में ढूंढते जा रही है। ये भी मिला इनको एक एक बाउल स्टील के। सी आपने खाना नहीं खाया, प्रसाद नहीं खाया? हवा हवा का ये है हमारे बॉक्सेस, पेन से रबड़ रखने के लिए ना। और ये हमको मेरे हैंकीज इतने सारे अम्मा, ये वाले इनमें ड्राइंग बन रखी है जैसे कि बटरफ्लाइज दोनों रुमाल में। ये देखो सिया आव्या को एक एक पर्स भी मिला। कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। सिया आपका पर्स टांगो तो। वाओ सिया का पर्स, सिया के मजे आ गए है ना। क्या रखोगे पर्स में सिया? बोल मम्मी पैसे, पैसे रखेगी ये महारानी। ये हमारे हैबिट। वाओ अच्छे लग रहे हैं, मतलब आव्या और सिया के यहाँ ही मजे। कुछ है पर्स में? कुछ नहीं है। हाँ। पर्स में पैसे रखो, ये देखो मम्मा, और एक एक और ईयर बैंड, दो दो ईयर बैंड हो गए। और हमको मिले हैं दो दो पेन। पेन है तो स्पार्कल वाली है ना, स्पार्कल वाली। हाँ। दीदी हंकी पर्स रुमाल सामान है, अब मैं कल का सामान लाती हूँ। और भी है? हाँ। ये तो आज का आज मिला इनको नवमी के दिन, और अष्टमी वाला कल का एक पन्नी वाला भी। उनको मिले दो दो डिब्बे। और ये है क्लिप, प्यारी लग रही ना। हाँ। और सारे रुमाल। वाह। ये ओ। असिया को, सिया को मिला किन्नु ऑरेंज। दिखाओ ऑरेंज कहाँ है? एक सौ। ये क्लिप। दो दो मिले होंगे, एक सिया के एक आव्य के ना। मेरा ये वाला है, शुभ का ये वाला है। दीदी ले आ। ये किसकी है? शिव्या की। अच्छा। और ये मेरी। अच्छा। और ये मेरी और शिव्या की। एक ये आंटी ने बोला था मेरा और शिव्या का है। नहीं दो तो घर पे लाए थे कल के है ना, कल मैंने देखा था। ये भी अच्छा लग रहा है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। असली पन्नी तो ये निकली। हाँ। और सिव्या रख रही है पर्स में, संतरे रख रही है पर्स में। पर्स में कौन रखता है संतरे? पर्स में कौन रखता है संतरे? और असली तो खजाना ये है पर्स के अंदर।
ये ना, नहीं ये पर्स कहाँ से मिला आपको? ये मेरी मम्मी लाई थी। ये तो मम्मी लाई ना। मामा, मामा, मामा। हाँ जी। मैं तो भी बताए पैच। मामा, मामा। पैसे भी बहुत हो गए तुम्हारे पास। और ये सिक्के के ढेर 10 और 1 रुपए। अच्छा। और कैसा लगा? थकान हो रही है कि नहीं हो रही है? अब नहीं हो रही। पैसे देख के नहीं हो रही कि सामान देख के नहीं हो रही? सामान देख के नहीं हो रही। कटोरे, टिप्पण, खाना, हंगी, कितना सारा सामान। एक गड्डी आवे के पास ये है। अब 20 के 10 के आवे के पास है ना। और 100 रुपए। ये मम्मी ने मेरे पास पर्स 10 रुपए निकाले थे और मुझको उसके बाद 100 रुपए दे दिए। कल हमारे घर इतनी मिठाई हो रखी ना इस शादी से। एक रसगुल्ले का डिब्बा, डिब्बा और इसमें है सोन पापड़ी, दिखा रहा हूँ, मिक्स लड्डू वगैरह जो हमारे घर के सामने हुई थी शादी, उन्होंने दी आंटी जी ने दो दो डब्बे, एक गुलाब जामुन का, एक मिठाई का। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय भारत, जय उत्तराखंड।